हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के फर्स्ट ऑफिशियली रिएक्शन के बारे में। तो मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, पर न्यूयॉर्क में आज है रेड कार्पेट था और मूवी की स्क्रीनिंग थी। तो फाइनली वहाँ पे जिन जिन लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कि मैं दो लोगों को फॉलो करता हूँ, एरिक को, स्पूप्स को और ब्रेंडन को। तो मैंने ब्रेंडन और एरिक के दोनों के रिव्यू देख लिए हैं और उनका क्या रिएक्शन है तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सभी के मैंने रिव्यूज पढ़े थे ऑलमोस्ट, तो सभी ने कहा कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और ये फेज 4 में अब तक की सबसे बेस्ट मूवी बताई जा रही है। उसी के साथ इसमें थोड़ी रोमांटिक चीज़ें कम है, क्योंकि माइटी थॉर और थॉर लव एंड थंडर का रोमांस देखने को मिलता है और टाइटल भी यही था, लव एंड थंडर, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, ये हमारे क्रिटिक्स की रिपोर्ट बताती है। उसी के साथ इसमें काफ़ी सारी बैटल्स के सीन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एरिक ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर कन्फर्म कर दी चीज़, उसी के साथ ब्रेंडन ने भी कन्फर्म कर दिया, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है और थोड़ी कलरफुल ज़्यादा है, और टैगविटी ने ये चीज़ पहले ही कन्फर्म कर दी थी कि इस मूवी को रैगनारोक से ज़्यादा मैं कलरफुल बनाऊंगा। और बाकी डिपेंड है कि इंडिया में जैसी मूवी रिलीज होगी तो हम तो अपने ऑफिशियली रिएक्शन देंगे और बताएंगे कि हमें ये पर्सनली मूवी कैसी लगी। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये फर्स्ट रिएक्शन जानकर कैसा लगा, क्या ये मूवी थिएटर में देखने लायक है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।